नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, जीमेल ने अभी जो नए अपडेट आए हैं वो मोबाइल और आपके डेस्कटॉप वर्जन दोनों पर हैं। अपडेट बहुत अच्छा है दोस्तों। हम कंपोज पर जाएंगे। जब भी हम किसी को मेल भेज रहे होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए मेरी एक आईडी से दूसरी आईडी पर मेल आपको करके दिखाऊंगा। हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं और हम यहाँ पर जो है हेलो माय नेम इज, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है उसके बॉडी पार्ट में भी कुछ लिख दिया है। अब आप देख तो देख पा रहे होंगे, जहाँ हम सेंड करते हैं, सेंड बटन के पास में आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, इस पर हम जाएंगे और इस पर जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है कॉन्फिडेंशियल मोड। आप देख सकते हैं ऊपर से तीसरे नंबर पर लिखा है कॉन्फिडेंशियल मोड। जी हाँ दोस्तों, यही है वो अपडेट जिसके बारे में आज ये वीडियो मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। हम कॉन्फिडेंशियल मोड पर जाएंगे। काफ़ी अच्छा ये एक नया एप्लीकेशन शुरू किया है। इसमें आप देख सकते हैं सेट एक्सपायरेशन एक आया है। आप एक दिन में, एक वीक में, एक मंथ में, तीन मंथ में या पाँच साल का एक एक्सपायर डेट यहाँ सेट कर देते हैं। जैसे हमने एक्सपायर कर दिया, बन लिया। इसका मीनिंग क्या है? जब आप जिसको मेल भेजेंगे, एक वीक बाद उसके यहाँ से ये मेल जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा है रिक्वायर पासकोड। पासकोड आप रिक्वायर कर दें। यहाँ पर स्टैंडर्ड और SMS कोड दोनों हैं। स्टैंडर्ड इट मीन्स ये आपसे कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद ये वहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा है SMS पासकोड। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं एनी रेसिपिएंट विल गेट एन SMS पासकोड टू ऑथेंटिकेट। आप पासकोड लगाकर एक मोबाइल नंबर यहाँ सेट करेंगे। उस मोबाइल नंबर के द्वारा आप जिसको मेल भेज रहे हैं, या तो आप उसका मोबाइल नंबर दे सकते हैं या मैं अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ। इस केस में होगा क्या, जब जिसको आपने मेल भेजा है वो इस मेल को ओपन करेगा तो वो उसको एक OTP वेरिफिकेशन के लिए, इस जो आपने फ़ोन नंबर इस समय यहाँ जो डाला है, इस फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद वो वेरीफाई हो जाएगा कि जिस यूज़र को आपने मेल भेजा है उस यूज़र ने ही आपके मेल को चेक किया है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जो हमें जहाँ प्राइवेट मैसेज भेजने होते हैं, और अगर मान लीजिए वो एक ऐसे कंप्यूटर पर गया है जहाँ पर कोई भी किसी उसको एक्सेस कर लेता है ये मेल को, तो हमारे एम्प्लॉयज़ या कोई भी उसको पढ़ लेते हैं। हम चाहते हैं उसको पूरा प्राइवेट रखना, पूरा सिक्योर रखना। तो जब मेन यूज़र आएगा जिसको आप भेजना चाहते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा, या अगर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है तो वो मुझे कॉल करके मुझसे OTP मांगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ सेव कर दिया है। कंटेंट लिखा आ गया है, कंटेंट एक्सपायर्स February 22। एक हफ्ते बाद ये जो है कंटेंट एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ना फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना कॉपी, ना प्रिंट, ना डाउनलोड। देन दोस्तों, अब मैं यहाँ सेंड करूँगा। जब मैं इसको सेंड करूँगा, सेंड करने पर मुझे एक मैसेज आएगा, यहाँ लिखा आएगा मिसिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने अभी फ़ोन नंबर नहीं दिया है। हम फ़ोन नंबर देंगे एड मिसिंग इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके। अगर आप नहीं देना चाहते हैं और आप कॉन्फिडेंशियल मोड को डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप नीचे जाके डिसेबल कर सकते हैं। हम एड मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, क्योंकि मैं एग्जांपल के लिए मेरी एक आईडी से दूसरी आईडी पर दोस्तों ये मेल भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर कैसे OTP वेरिफिकेशन होगा। और मैं आपको अपनी दूसरी आईडी पर ले जाकर भी दिखाऊंगा कि इसे ओपन कैसे किया जाएगा। दोस्तों, इंडियन कंट्री के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है, हम +91 जो मोबाइल नंबर लिखते हैं उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा। ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद जो है मैंने यहाँ से डन कर दिया है। अब वो नंबर सेट हो गया है और मैं इसको सेंड करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको सेंड कर दिया है। ये सेंड हो गया है। यहाँ से हम रिफ्रेश कर देंगे और ये पूरी तरीके से सेंड हो गया है। आप सेंड बॉक्स में जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेंड बॉक्स में जाएंगे, देखिए ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो सेंट है, और नीचे आप देख रहे हैं रिमूव एक्सेस लिखा हुआ है। मैं यहाँ से एक्सेस भी हटा सकता हूँ। और ये कंटेंट जो है 22 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। ऊपर आप एक जो बटन देख रहे हैं उसमें लॉक लगा है ताले के साथ। अब दोस्तों, हम चलते हैं हमारे दूसरी आईडी पर, जिस आईडी पर ये मेल आया है। हम स्विच करते हैं दूसरी आईडी पर। ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर वही मेल आया है मेरी दूसरी आईडी से। मैं इसको ओपन करूँगा। इसका दोस्तों आपने सब्जेक्ट तो देख लिया होगा, वहाँ पर जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट हेलो।
लेकिन नीचे लिखा है वेरीफाई आइडेंटिटी। टू व्यू दिस ईमेल यू मस्ट फर्स्ट कंफर्म योर आइडेंटिटी, ए वन टाइम पासकोड विल बी सेंड टू। एक वन टाइम पासकोड जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था वहां पर सेंड किया जाएगा। जब मैं सेंड पासकोड करूंगा, देखिए ये मैंने सेंड पासकोड कर दिया है, अब उस मोबाइल नंबर पे जो नंबर यहाँ डाला गया है वहाँ पर जो है ये पासकोड आ गया है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, देन कॉपी करने के बाद हमने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है और अब हम सबमिट करेंगे। अगर आपको पासकोड नहीं आता है दोस्तों तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। हम यहाँ सबमिट करेंगे। देखिए दोस्तों, सबमिट करते ही जो मैंने कंटेंट बॉडी में लिखा था, हेलो माय नेम इज़ विवेक भारद्वाज, वह आ गया है। नीचे लिखा है ये कंटेंट एक्सपायर हो जाएगा 22 फरवरी को आपके अकाउंट से भी। आप यहां से ना तो इसको फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट, डाउनलोड कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं एक और ऑप्शन दिखा दूं, आप देखिए नीचे एक मैसेज देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैं यहां टैप कर रहा हूं बॉडी पर, नीचे मैसेज आ रहा है यू कांट सेलेक्ट और कॉपी कंटेंट इन कॉन्फिडेंशियल मोड। आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, पेस्ट नहीं कर सकते हैं कंटेंट मोड में। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, योर यू कांट सेलेक्ट और कॉपी, इट मीन्स आप यहाँ से कट कॉपी पेस्ट भी इसको नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फीचर, बहुत अच्छा ये फीचर आया है यहाँ पर। और जीमेल ने क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है अभी ऐड किया है। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और ये मेथड, मेरी प्रोसेस समझ में आई होगी। आप लोग भी इसका यूज़ करके इस फीचर का लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।